सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्ले की जो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उस प्ले का नाम है द पोस्ट ऑफिस। ये प्ले सबसे पहले बंगाली में लिखा गया था जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और 1930 में उसे परफॉर्म किया गया। इसको एबे थिएटर ने डबलिन, आयरलैंड एंड लंदन में और इंग्लैंड में परफॉर्म किया गया था। इसके बाद 1914 में इसको पब्लिश किया गया। अगर हम बात करें इस प्ले की कहानी की, तो ये कहानी है किसी लड़के की जो बीमार है, बहुत बीमार है वो, और वो बिस्तर पर है, बाहर नहीं जा सकता। वो अपने रूम की विंडो पर बैठा रहता है और लोगों को देखता है। वो जिंदगी को खुद के बिना देखता है, यानी कि वो सिर्फ रूम में ही है और लोगों को देखता रहता है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ डेथ ही उसे इस लाइफ से मुक्त कर सकती है। इस तरह से ये प्ले स्पिरिचुअल फ्रीडम का एक मेटाफर है कि डेथ अंत नहीं है बल्कि एक स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट लाइफ की। अब इस कहानी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस प्ले में एक आदमी है जिसका नाम महादेव है। महादेव एक छोटे लड़के को अडॉप्ट करता है, उसका नाम अमल है। और ये अमल जो है वो एक अनाथ लड़का है। कुछ दिन बाद ये लड़का काफी बीमार पड़ जाता है और बहुत ही कमजोर हो जाता है। इसलिए उसे डॉक्टर ने अपने कमरे से बाहर जाने को मना किया है, और अगर वो बाहर डायरेक्ट सन और हवा के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, ये उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जैसा हम देख सकते हैं कि वो एक छोटा लड़का है और वो बाहर जाना चाहता है, इसलिए वो रूम की विंडो से बाहर देखता रहता है, क्योंकि वो रूम से बाहर नहीं जा सकता। अब उसके सामने एक ही रास्ता है कि वो रूम की विंडो पर बैठ करके आने जाने वाले लोगों को देखता रहता है। वो मोस्टली हर किसी से अपनी विंडो से बात करता है जो भी वहाँ से गुजरता है, और अपना फ्रेंड बना लेता है उसको, जैसे वहाँ का डेयरी मैन, वॉचमैन और सुधा एक छोटी सी लड़की होती है। अमल काफ़ी दिन तक इसी तरह से जीता है, और अमल को उसकी ज़िंदगी एक बंजर रेगिस्तान की तरह लगती है, और वो बाहर की ज़िंदगी में जाना चाहता है। बाहर की ज़िंदगी के बारे में वो सपने देखता है, उसकी कल्पना करता है। वो कल्पना करता है कि काश वो एक डाकिया बन जाए जब वो बड़ा होता, कि उसके पास करने को बहुत सा काम हो और वहाँ मोस्टली बिजी रहे वो। काफ़ी समय तक वो अपनी विंडो से बैठ कर लोगों से बात करता है, लेकिन काफ़ी दिन होने के बाद वो थक जाता है इस तरह से अजनबियों से बात करते करते। और इधर महादेव, जिसने अमल को गोद लिया है, वो चिंतित है उसकी लाइफ के लिए। वो हर पॉसिबल तरीके से उसकी जान बचाना चाहता है। एक बार अमल ने किसी से सुना कि किंग का जो पोस्ट ऑफिस है वो बराबर में ही खुला है, जो बच्चों को लेटर पहुंचाता है। ये लेटर स्वयं यानी कि खुद किंग की तरफ से होते हैं, जिसमें वो बच्चों के लिए कुछ लिखता है। इस पर अमल उम्मीद करता है कि जरूर ही उसे एक दिन किंग का लेटर मिलेगा। और एक दिन वो एक छोटी लड़की सुधा से बात करता है और दोनों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। और किसी दिन एक छोटे लड़कों का जो ग्रुप होता है वो खेलने के लिए जा रहा होता है, और वो उसकी विंडो के नीचे से जाते हैं। अमल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी विंडो के पास ही खेलें, ताकि वो उनको खेलते हुए देख सके। इसके लिए वो अपने डॉल्स भी उन लड़कों को देता है। विंडो पर अधिक समय बिताने की वजह से और बाहर की हवा के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से उसकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। एक दिन अमल गफ्फार से उसके बारे में पूछता है। गफ्फार एक और करैक्टर है, और वो मालूम करता है कि क्या किंग ने उसके लिए कोई लेटर भेजा, लेकिन अमल को उसका जवाब उसकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। इसके बाद वहाँ पर एक फिजिशियन आता है जो अमल को चेक करता है और बताता है कि अमल की हालत बिगड़ रही है, कुछ खास नहीं है, और मुश्किल है कि वो सर्वाइव कर पाए, यानी कि जी पाए। और ज़्यादा उसकी बीमारी की जो न्यूज़ है वो पूरे गाँव में फैल जाती है, और इस तरह से किंग तक पहुँच जाती है। और किंग का नौकर एक दिन अमल के पास आता है और बताता है कि किंग आज रात अमल से मिलने के लिए आएंगे। किंग के इनफॉर्मर के साथ रॉयल डॉक्टर भी आते हैं और अमल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमल सदा के लिए गहरी नींद में चला जाता है, यानी कि मर जाता है। वहाँ पर सुधा आती है, जो कि एक छोटी लड़की है जिससे मोस्टली अमल बातें करता था, और कहती है कि अमल को धीरे धीरे से बताए कि सुधा अमल को याद करती है। सुधा को अमल की डेथ के बारे में अभी पता नहीं है। और इसी के साथ में जो प्ले है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब इस प्ले के कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहला करेक्टर होता है अमल का। अमल इस प्ले का सेंट्रल करेक्टर है, यानी कि हीरो है, प्रोटागोनिस्ट है। ये एक अनाथ बच्चा होता है जिसे माधव नाम का एक व्यक्ति अडोप्ट करता है, और ये अमल जो है वो किसी तरह के
फीवर से यानी कि बुखार से ग्रस्त है, यानी कि परेशान है। दूसरा करेक्टर होता है माधव का। माधव एक ऐसा आदमी होता है जो अमल को अडॉप्ट करता है, लेकिन अमल कभी भी उसे फादर नहीं बुलाता, हमेशा उसे अंकल कहकर बुलाता है। अगला करेक्टर होता है गफर का। गफर अमल को कहानियाँ सुनाता है, ये एक फ़कीर टाइप का करेक्टर है। अगला करेक्टर होता है सुधा का। सुधा एक छोटी लड़की है जो कि एक फ्लावर सेलर की बेटी है। एक बार अमल सुधा से मिलता है और सुधा और अमल की दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट करेक्टर होता है डॉक्टर का। ये फिजिशियन है और ये एडवाइस करता है अमल को कि अमल बाहर न जाए। अगर वो बाहर जाता है और वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसका बुखार बिगड़ सकता है और उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट करेक्टर होता है रॉयल फिजिशियन का। रॉयल फिजिशियन वो होता है जो किंग की बीमारी की देखभाल करता है। जब अमल मरने वाला होता है तो ये रॉयल फिजिशियन जो होता है वो अमल की देखभाल करने के लिए आता है, लेकिन वो अमल को बचा नहीं पाता। अगला करेक्टर होता है डेरी मैन का। ये डेरी मैन होता है जो कि दूध बेचता है। इसे देखकर अमल डिसाइड करता है कि वो बड़ा होकर दूध बेचने वाला बनेगा, दही बेचने वाला बनेगा। इससे अगला करेक्टर होता है वॉचमैन का। ये वॉचमैन अपनी जो रिंग होती है उसे बजाता है और जब ये इस बेल का जो साउंड है वो अमल तक पहुंचता है तो अमल को ये जो साउंड है बेल का वो म्यूज़िक की तरह लगता है। ये इस ड्रामा के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर थे। अगर हम इस प्ले की थीम के बारे में बात करें तो सबसे मेन जो थीम है इसकी वो है डेथ एज ए रिलीज। मीन्स डेथ जो है वो अंत नहीं है, मृत्यु जो है वो अंत नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग है एक नई ज़िंदगी की। और इस प्ले में भी हम देख सकते हैं कि डेथ एक मेन एलिमेंट है जिसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है, और इसके बाद भी डेथ का नाम पूरे ड्रामा में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। हालांकि माधव बात करता है डेथ के बारे में, लेकिन वो डेथ के बारे में बात करता है, उसको डायरेक्टली रेफर नहीं करता। डॉक्टर भी ऐसे ही करता है। और लास्ट में जब अमल सबके सामने मर रहा होता है तो रॉयल फिजिशियन कहता है कि अमल गहरी नींद में सोने वाला है, वो भी नहीं कहता कि वो मरने वाला है। लास्ट में जब वो मर रहा होता है तो कोई नहीं रोता, कोई विलाप नहीं करता। यहाँ पर प्लेराइट एक क्वेश्चन करता महसूस होता है कि क्यों रोना, क्यों विलाप करना जब कुछ नहीं है रोने के लिए, क्योंकि सफरिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और फ्रीडम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है अमल के लिए। और लास्ट में अमल कहता है कि नाउ एवरीथिंग इज़ ओपन, आई कैन सी ऑल द स्टार्स शाइनिंग ऑन द फार साइड ऑफ डार्कनेस, क्योंकि अमल के लिए डेथ इज़ द फ्रीडम एंड एंड ऑफ सफरिंग। सो हमने इस प्ले की थीम के बारे में बात की, इसके करेक्टर्स के बारे में बात की और इसकी शॉर्ट में समरी को एनालाइज किया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।